Hi friends, you are most welcome in IS Brahmastra online classes. इस वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत करेंगे. ये पहला वीडियो होगा उससे संबंधित, तथा हम लोग प्रियम्बल टॉपिक से प्रारंभ करेंगे, जिसे हिंदी में प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से जाना जाता है. तो प्रियम्बल पे बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि विश्व के जिन देशों में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान होता है, उन संविधानों का प्रारंभ एक प्रियम्बल से होता है. उसी प्रकार हमारे संविधान का भी प्रारंभ एक प्रियम्बल या उद्देशिका से होता है. यदि प्रियम्बल या उद्देशिका को परिभाषित किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि प्रियम्बल या उद्देशिका हमारे समूचे संविधान का एक सार तत्व है. अर्थात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस संविधान के माध्यम से जिन लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास उन्होंने रखा है, उसी को संक्षिप्त रूप में कहीं समाहित किया गया है तो हमारे उद्देशिका में समाहित किया गया है. अर्थात उद्देशिका हमारे संविधान का फिलॉसफी या दर्शन है, या उद्देशिका हमारे संविधान का एक संक्षिप्त रूप है. दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जो हमारा संविधान है वास्तव में एक तरह से उद्देशिका का ही एक तरह से एक्सपेंशन या प्रसार के तौर पर कहा जा सकता है. तो हमने देखा कि उद्देशिका या प्रियम्बल को डिफाइन करते हुए कहा जा सकता है कि प्रियम्बल इज फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एसेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज कॉन्साइज फॉर्म ऑफ आवर होल कॉन्स्टिट्यूशन. अर्थात उद्देशिका हमारे संविधान का दर्शन है, संक्षिप्त रूप है तथा सार तत्व है. तो फिर ये किस प्रकार से ये विशेषता हमारे उद्देशिका में पाई जाती है, प्रियम्बल में पाया जाता है, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये डिस्कशन करना पड़ेगा कि उद्देशिका में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनको डिस्कशन करके, उसको एक्सप्लेन करके ही हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे संविधान की उद्देशिका हमारे समूचे संविधान का सार तत्व या फिलॉसफी है. तो हम लोग उद्देशिका में प्रयुक्त किए गए शब्दों का व्याख्या करेंगे और उसके माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे. तो हमारे उद्देशिका का आरंभ वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से होता है, अर्थात हम भारत के लोग शब्द से होता है. इससे पहला तो ये बात पता चलता है कि हमारे संविधान को स्वीकार करने का काम देश की जनता ने किया है. पुनः इससे यह भी पता चलता है कि यदि इसकी तुलना हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि हम अलग अलग राज्यों के लोग. हमारे संविधान में सीधे सीधे कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया. इसका कारण यह है कि हमारे देश के उद्भव की पृष्ठभूमि तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्भव की पृष्ठभूमि दोनों ही अलग अलग है. यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में बात किया जाए तो वहां राज्य पहले हैं और राज्यों ने एक एग्रीमेंट के माध्यम से एक यूनियन के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का गठन किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूएसए का गठन किया. इसका मतलब है कि यूएसए के संदर्भ में राज्य पहले हैं और यूएसए बाद में है. लेकिन यदि भारतीय संदर्भ में बात किया जाए तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो राष्ट्रवादी भावनाएं लोगों के जेहन में मनोमस्तिष्क में उत्पन्न हुई, उसी का परिणाम था कि 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए तो प्रिंसली स्टेट्स अर्थात राजवाड़े तथा ब्रिटिश भारत के प्रांतों को मिला के हमारा भारत बनाया गया. इसका मतलब है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले हमारा भारत बना, उसके बाद सुविधा के दृष्टिकोण से भारत को अलग अलग राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में बनाया गया तथा ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी. यही कारण है कि हमारे संविधान के उद्देशिका का प्रारंभ वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से होता है. इसके बाद जो उद्देशिका में अगला शब्द है ये सॉवरेंटी है, जिसे जिसके लिए हिंदी में संप्रभुता शब्द का उपयोग किया जाता है, प्रभुता संपन्नता शब्द का उपयोग किया जाता है. वास्तव में इसका अर्थ सर्वोच्च शक्ति से है, अर्थात संप्रभुता का से सरकार के उस सर्वोच्च शक्ति से है जिसके होने की स्थिति में वो बिना किसी बाहरी शक्ति के दबाव के
अपने जनता के हितों में निर्णय ले सकती है, अर्थात संप्रभुता का से सरकार की उस सर्वोच्च शक्ति से है जिसके माध्यम से सरकार जो भी नीतियां और योजनाओं का निर्माण करती है ये किसी बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं बल्कि अपने जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के करती है। और वास्तविकता है कि किसी भी देश को देश कहलाने के लिए संप्रभुता एक आवश्यक तत्व है। यही कारण है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वी द पीपल ऑफ इंडिया के बाद जो दूसरा शब्द जोड़ा है वो संप्रभुता शब्द जोड़ा है। संप्रभुता के बाद जो अगला शब्द है वो सोशलिज्म है, समाजवाद है। तो इस संदर्भ में पहली बात तो ये ध्यान में रखने योग्य है कि जब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान कमेंस किया गया था, लागू किया गया था, तो उस समय हमारी उद्देशिका में कहीं भी सोशलिज्म शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था बल्कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1946 अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। लेकिन जोड़ा तो गया लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया गया। अब यहाँ पे तरह तरह के प्रश्न स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं कि क्या जब 42वें संविधान संशोधन 1976 के पहले जब हमारे संविधान की उद्देशिका में जब समाजवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था तो तब क्या हमारा संविधान समाजवाद के उद्देश्य को लेकर आगे नहीं बढ़ रहा था। पुनः यह भी बात करना पड़ेगा कि जब हमारे संविधान में समाजवादी शब्द को शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से, पुनः जब इसको परिभाषित भी नहीं किया गया तब हमें इस बात को भी डिस्कस करना पड़ेगा कि वास्तव में तब उद्देशिका में जो समाजवादी शब्द रखा गया है उसका भारतीय संदर्भ में क्या अर्थ होगा। तो जैसा कि हम बता दें कि भले ही 42वां संविधान संशोधन 1976 के पहले हमारे संविधान में समाजवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था लेकिन उसके पहले भी हमारा संविधान समाजवादी था। आगे भी हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान का भाग 4 जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है उसका लक्ष्य ही है कि सरकार इस प्रकार से नीतियां और योजनाओं का निर्माण करेगी कि ताकि देश में एक सोशलाइट पैटर्न ऑफ सोसाइटी अर्थात समाज का समाजवादी ढांचा विकसित हो सके। अर्थात ठीक है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पहले हमारे संविधान में समाजवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था लेकिन फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने समाजवाद की स्थापना को एक लक्ष्य के तौर पर संविधान के भाग 4 के माध्यम से पहले ही समाहित कर लिया था। पुनः जब समाजवादी शब्द रखा तो गया लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया तब हमें यह देखना पड़ेगा कि वास्तव में जब हमारे संविधान के प्रियम्बल में जब समाजवादी शब्द है तो इसका क्या मतलब हो सकता है बिकॉज इसको डिफाइन नहीं किया गया। इस संदर्भ में देखा जाए तो प्रोफेसर CEM जोड का मानना है कि समाजवाद एक ऐसे टोपी के समान है, एक ऐसे आकर्षक टोपी के समान है जिसे सबने पहनने का प्रयास किया और चूंकि इसको सबने पहनने का प्रयास किया इसलिए इसका रूप इतना विकृत हो गया है कि आज बताना भी मुश्किल है कि जब बना था तो कैसा बना था। अर्थात समाजवाद की कोई एब्सोल्यूट डिफिनेशन नहीं हो सकता, निरपेक्ष परिभाषा नहीं हो सकती है, जैसा देश वैसा भेष, अर्थात ये इसकी जो परिभाषा होगी वो देश काल परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होगी, अलग अलग देश की दशाएं अलग अलग होगी तो वैसी स्थिति में समाजवाद की परिभाषा भी अलग अलग होगी। यदि भारतीय संदर्भ में हम समाजवाद को परिभाषित करें तो इसका सीधा सा आशय यही है कि राज्य अपनी नीतियों और योजनाओं का निर्माण करते समय इस प्रकार से करेगी कि ताकि समाज में अधिक से अधिक समानता की स्थापना हो सके। यही भारतीय संदर्भ में वास्तव में समाजवाद है। तो भारतीय संदर्भ में समाजवाद का मतलब है कि एक ऐसा लक्ष्य जिसमें सरकार अपने नीतियों और योजनाओं का निर्माण इस प्रकार से करेगी कि ताकि अधिक से अधिक समानता की स्थापना हो सकेगी तथा समृद्ध और अमीर वर्ग के बीच की जो खाई है अधिक से अधिक बांटना, ये समाजवाद का उद्देश्य है या इट इज ऑल्सो नोन एज
सोशलाइट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, इसे ही समाज का समाजवादी ढांचा भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया सोशलिज्म शब्द। सोशलिज्म के बाद जो अगला शब्द है ये सेकुलरिज्म शब्द है। यदि सेकुलरिज्म शब्द की बात किया जाए तो जिस प्रकार से समाजवादी शब्द भी हमारे मूल संविधान का भाग नहीं था, अर्थात जो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उसमें समाजवाद की तरह सेकुलरिज्म भी शब्द नहीं था, बल्कि जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जैसे समाजवादी शब्द जोड़ा गया, उसी तरह से सेकुलरिज्म शब्द को भी जोड़ा गया। किंतु जिस तरह से समाजवादी शब्द प्रीएम्बल में डिफाइन नहीं किया गया, शामिल तो किया गया, डिफाइन नहीं किया गया, उसी तरह से सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा तो गया लेकिन सेकुलरिज्म शब्द भी डिफाइन नहीं किया गया, ये एज इट इज केवल रखा गया। अब हमें ये बात करना पड़ेगा कि जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के पहले जब हमारे संविधान में सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, तब हमारा क्या तब हमारा संविधान सेकुलर नहीं था? वास्तव में हमारा संविधान तब भी सेकुलर था। इसके दो कारण थे, और भी चीजें थी, बशर्ते दो ही आधार पर यह प्रूफ हो जाता है कि भले ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पहले सेकुलरिज्म शब्द नहीं था लेकिन फिर भी हमारा संविधान एक सेकुलर संविधान था। पहला तो कारण यह है कि हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और दूसरा हमारे आगे देखेंगे कि हमारे संविधान के भाग तीन जो फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार से संबंधित है उसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आगे हम लोग देखेंगे उसमें धर्म से संबंधित इतने अधिकार दिए गए हैं कि जो हमारे संविधान को सेकुलर शब्द सेकुलर बना देता है। तो हमने देखा कि भले ही सेकुलरिज्म शब्द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया लेकिन ऐसा नहीं था कि उससे हमारे संविधान में असर पड़ गया। वास्तव में हमारा संविधान पहले से भी सेकुलर था। हाँ, यह था कि किसी एडजेक्टिव शब्द के तौर पर सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। पुनः हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेकुलरिज्म शब्द तो जोड़ा तो गया लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया गया, तो यह भी देखना पड़ेगा कि वास्तव में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेकुलरिज्म शब्द क्या, सेकुलरिज्म शब्द का आशय क्या हो सकता है। तो भारतीय संदर्भ में सेकुलरिज्म का आशय यही है कि राज्य सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा, मीन्स इक्वल रिगार्ड टू ईच रिलीजन, जिसको महात्मा गांधी के शब्दों में सर्वधर्म संभाव कहा जाता है। पुनः एक प्रश्न और भी काफी महत्वपूर्ण है सेकुलरिज्म शब्द के संदर्भ में कि जब हमारे संविधान में सेकुलरिज्म शब्द को शामिल किया गया तो उसके हिंदी वर्जन में यह प्रश्न उठा कि संविधान के हिंदी पाठ में सेकुलरिज्म के पर्याय के तौर पे पंथ निरपेक्षता शब्द को शामिल किया जाएगा या धर्मनिरपेक्षता शब्द को शामिल किया जाएगा। तो बाद में निर्णय यह लिया गया कि भारतीय संदर्भ में जब धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है तो बेसिकली ये रिलीजन से अर्थ भिन्न होता है। जब एक आम भारतीय अपने सामान्य जीवन में जब धर्म शब्द का उपयोग करता है तो उसका दूर दूर तक आशय रिलीजन से नहीं होता है बल्कि उसका आशय ड्यूटी से होता है, कर्तव्य से होता है, ऑब्लिगेशन से होता है, अर्थात जीवन के सद्गुणों से होता है। जैसा कि यदि गीता की भी बात किया जाए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य में भी है कि when the righteousness is declined, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, अर्थात जब जब सद्गुणों की हानि होती है तो मैं अपने आप को अवतरित करता हूं। यही कारण था कि जब सेकुलरिज्म शब्द को जोड़ा गया तो उसके हिंदी पाठ में धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं जोड़ा गया। हाँ, ये दूसरी बात है कि राजनीतिक जीवन में धर्मनिरपेक्षता शब्द धड़ल्ले से यूज उपयोग किया जाता है लेकिन हमारे संविधान के हिंदी पाठ में सेकुलरिज्म के पर्याय के तौर पे पंथ निरपेक्षता शब्द को शामिल किया है।